देश भर में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूजी और पीजी सहित अन्य फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही तैयारियों में जुटता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को 30 सितंबर तक यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करवानी होगी। कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच प्रदेश के साथ ही देश भर के छात्रों को अगले माह सितंबर से परीक्षाएं करवाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए। राजस्थान के करीब 8 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं अब देनी होगी। इसको लेकर केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा अन्य वर्षों के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया था, लेकिन अब उसको अपने इस आदेश में बदलाव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि परीक्षा देने वाले करीब 30% से ज्यादा छात्र छात्राएं या तो बाहरी राज्यों के हैं या फिर दूर दराज गांवों के। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा देने के लिए उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार के सामने यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती भी होगा। इसको लेकर सरकार को आने वाले दिनों की कवायद भी एक देखने वाला विषय होगा। वहीं हॉस्टल में रह रहे करीब 40% छात्र छात्राओं के लिए भी अब हॉस्टल खोलने को लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से जल्दी गाइडलाइन जारी की जाएगी। करीब 5 महीने से यह हॉस्टल बंद पड़े हैं। अब हॉस्टलों की साफ सफाई के साथ छात्रों को रुकने की व्यवस्था होगी। इसको लेकर भी कवायद शुरू की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति JP यादव का कहना है कि हमारी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी है। फाइनल ईयर की परीक्षा राज्य सरकार और UGC के निर्देशानुसार करवाई जाएगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा में सभी नियमों की पालना भी की जाएगी। तो वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक VK गुप्ता का कहना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के करीब 2,10,000 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय पहले से ही तैयारी कर चुका है। अब सरकार के निर्देश के बाद इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।